बज चुके हैं सुबह के 6:16, तो हम लोग निकल चुके हैं मनाली से घर के लिए और हम लोग सीधा यहाँ से दिल्ली जाएंगे। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। कितना टेम्परेचर दिखा रहा सुबह का? सुबह का -9 इसका यहाँ का टेम्परेचर आ गया। हमें लगा हम ही लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, बट हमसे पहले भी एक दो गाड़ियां यहाँ से होटल से चेकआउट कर चुकी हैं, क्योंकि सुबह क्या उनको अभी खाली मिलेगा। मैंने भी जब चेक किया था मॉर्निंग में तो यहाँ से 6:17 दिखा रहा था जीरकपुर का, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जीरकपुर रुकेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारा कुछ सामान जीरकपुर में है अभी, तो वहाँ से हम लोग उस सामान को पिक करेंगे और सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। हमने अपना मैप ऑन कर दिया है और अभी यहाँ से हमें दिखा रहा है 6:22, और हमने आज सुबह जल्दी निकले तो हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो हम लोग बीच में ब्रेकफास्ट भी रुकेंगे, तो जल्दी जल्दी थोड़ा मैगी बना के फटाफट खा के निकल जाएंगे, क्योंकि जितना लेट होगा उतना फिर हमारे आने के लिए भी लेट हो जाएगा। अभी तो सुनसान ही पड़ा हुआ है मनाली, सारे यहाँ पे टैक्सी भी बंद, टैक्सी स्टैंड भी सारा खाली पड़ा, सुनसान पड़ा, कोई दिख नहीं रहा। दो चार लोग दिख रहे हैं जो लोग अभी मॉर्निंग में निकले हैं। अच्छा, इस रोड को इन्होंने टैक्सी स्टैंड ही बना दिया क्या? सामने कौन सी बड़ी गाड़ी जा रही है? राजस्थान। तो वो ये कुछ लोग निकल रहे हैं मॉर्निंग में, जो लोग उठ गए टाइम से। धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो गया है, सनराइज भी स्टार्ट हो ही गया होगा, यहाँ से दिख नहीं रहे। वीनस। वीनस है। अभी हमें हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। हमारे सूत्र। इस बार मनाली में जब मैं हम लोग आए हैं तो दो चीज बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ पे, एक तो राफ्टिंग और एक जिपलाइन। तो हम लोगों ने अभी अभी कुल्लू क्रॉस कर दिया है 7 बजे। हम लोग 6:20-18 पे निकले थे वहाँ से। सूरज भी आ चुका है बट यहाँ से भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर डिस्कनेक्ट हो गया। ये मनाली की पुरानी वाले टनल है, पहले एक ही टनल थी ना, पहले टनल ये वाले टनल थी ना पहले से, तो ये फर्स्ट टनल हम लोग एंटर कर चुके हैं। बारह नंबर क्या उजाला हो रखा है यहाँ, भूख लग रही है अभी तो यार। ये कहाँ चल रहा है, ये देख रही है? वही तो, टनल के अंदर भी कोई ट्रैफिक रूल ही नहीं है। नींद आ गई है इसे? पता नहीं, अब थोड़ा स्लो हो गया, उसको डर लग गया उसको। लास्ट टाइम भी जब हम लोग नैनीताल से आ रहे थे उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। ये हो गई 11, नई शुरू हो गई, बाहर निकलते ही दूसरी शुरू हो गई। बस ये है कि कभी बंद ना हो जाए। फसला ऊपर से गिर गई, पहाड़ खोद खोद के सब कच्चे कर रखे हैं। जो अभी वहाँ पे हुआ था उत्तराखंड में, वो तो टनल बन रही थी ना अभी, बनते बनते गिर गई थी वो तो। ड्राइव ऑन सेफ स्पीड। अच्छा, वो चालू नहीं हुई अभी, ऊपर रोड थी क्या ये? वो टनल की रोड है ना अब। अच्छा। बाद में बनेगी वो। ये भी तो पूरा पहाड़ खोदा है इन्होंने, ये अलग से बनाया ना रास्ता। उधर जो ये पुल है सामने जाने के लिए, मैं उधर जाना है क्या? नहीं, ये तो वही वाली जगह है, एक बार हम यहाँ रुके थे। हाँ। पे झरना होता था, सब तोड़ दिया उन्होंने। ये देखना, इसमें झूला पुल है उसके बगल में, उसके बगल में देख, उसमें फोटो खिंचाई थी हमने। हाँ, ये झूला पुल है यहाँ का, पैदल का। पैदल वालों का भी था और गाड़ी का भी था, दूसरा वाला। ये गाड़ी वाला तो अब बना है, पहले नहीं था वो।
बाप रे कितना डर लग रहा है, भयानक लग रहा है। तो पहाड़ को देख के, पहाड़ के नीचे से गाड़ियां आ रही हैं। यहाँ पे लगता है यहाँ पे नहीं घूमते ना, एक बस के लिए एक ही जगह चाहिए। अभी तो कितनी ऊंचाई पे हम लोग, लेफ्ट में तो बिल्कुल खाई है। लाइटें बंद क्यों नहीं हो रही हैं? भयानक लग रहा है, भयानक। गाड़ी की लाइटें जली पड़ी हैं अभी तक हमारी। ये देख सारा इंजन खुला पड़ा है, उसके पीछे सारे पुर्जे खोल रखे हैं उसके। निकल पाएगा? हाँ निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। आ गए हम मंडी, मंडी पहुंच गए 9 बजे। हम पहुंच गए हैं मंडी और मंडी में लग गया है जाम। पेट्रोल आज सस्ता हो गया क्या? यहाँ भीड़ लगी पड़ी है पेट्रोल भराने की, तभी तो लगा पड़ा है ये जाम। ये देखो पूरा पेट्रोल की जाम लगा हुआ है पेट्रोल पंप का। मंडी में लगी है भाई धुंध, मंडी में धुंध लगी पड़ी है, तभी तो ये स्लो हो रखा है ट्रैफिक। बताओ मंडी में ही धुंध लगी है तो आगे तो क्या हाल होगा। यहाँ पे नदी है क्या कोई? नीचे ब्यास नदी है ना। साफ दिखा रहा है, मेरी आंखें खराब है क्या? नहीं वैसे ज्यादा दिख रहा है कैमरे में, इतना नहीं पता चल रहा है। पर बाहर बहुत ज्यादा धुंध लगी है। तो कैमरे में बिल्कुल ऐसे दिख रहा है क्लियर होगा, कैमरा बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है भाई। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा लगी हुई है। ये किस बात का? ओ भाई यहाँ पेट्रोल पंपों में सस्ता हो गया क्या तेल? ये देखना ये पेट्रोल पंपों का जाम है भाई। और तो इतने ये उल्टी क्यों हो गई? गाड़ी गाड़ी उल्टी हो रही थी। यहाँ पे तो नहीं था ना ऐसे धुंध लगी। ये देख ये भी उल्टी हो रही है, गाड़ियां उल्टी हो रही भाई धुंध में। क्या हो गया? उल्टी अपना यही करी है। एक्सीडेंट हुआ है वो, एक पीछे उल्टी पड़ी थी एक ही पड़ी है। लोग की जगह गाड़ियां उल्टी है। इन्होंने ज्यादा पी ली मेरे को लग रहा है न्यू ईयर पे गाड़ियों ने। रोड तो भैया अभी बिल्कुल खाली पड़ी है सुंदर नगर के बाद, लेकिन वही है कि धुंध लगी हुई है। कैमरे बहुत सारे हैं तो तेज नहीं भगा सकते आप गाड़ी। ये देखो सामने और कैमरे इन पे ना उल्टी तरफ लगा रखे हैं उन्होंने, आगे की तरफ को नहीं है जिधर से आप आ रहे हो उसके बैक साइड, मतलब आपके बैक की फोटो लेगा वो आपकी गाड़ी की बैक की। कैमरा क्रॉस करते ही भागने की कोशिश ना करें। तो भैया ये हिमाचल आने वाली फर्स्ट टनल और हिमाचल से जाने वाली लास्ट टनल। जो सबसे लेट जो बन के तैयार हुई थी हिमाचल आने में, मई के टाइम पे खुल रही थी फिर बंद हो रही थी। ये है टनल नंबर 1। हर टनल के बाद खतरनाक धुंध लगी हुई है। बाय बाय हिमाचल। तो
बाय बाय हिमाचल, जल्द ही मिलेंगे, व्हाइट स्पीति करने जब आएंगे हम फरवरी में। तो भैया हिमाचल से निकलने से पहले जरा अपना डीजल रिफिल करवा लेते हैं हम। नहीं नहीं तेल की शॉर्टेज हो रखी है क्या? अच्छा नहीं है, ड्राइवर ने हड़ताल कर दी है तो गाड़ी आ नहीं रही। अच्छा तभी मंडी में तो बहुत बुरे हाल थे पेट्रोल सर, ऑल इंडिया। अच्छा जहाँ भी मिलेगा वहाँ डलवाते रहना और जगह भरवाओगे 500 रुपए का पेट्रोल। अभी गाड़ी पहुंचेगी थी हाँ, तो अब जहाँ पे डीजल मिलेगा वहाँ भरवा लेना फिर। कितना दिखा रहा है अभी हमारा टैंक? इनके वहाँ पे भरा है। टैंक कितना दिखा रहा है अभी? टैंक अभी आधे से ज्यादा है। तो फिर चलेगी नहीं गाड़ी दिल्ली तक? क्या तेज भाग के जाएगी ना? पीछे का जाम चला हुआ आ रहा है, ये एक्चुअली जाम नहीं है, ये सिर्फ पेट्रोल के चक्कर में यहाँ भीड़ हो रखी है। अब ये ट्रक मुड़ना है इस ट्रक को, लेकिन सारी गाड़ियाँ फंस गई हैं, बेचारा ट्रक भी नहीं मुड़ पा रहा चक्कर में। अभी गाड़ियाँ निकलेंगी तब पीछे हो गया है, बहुत रश हो रखा है पेट्रोल पंप में। और पता नहीं पेट्रोल भी दे रहे हैं कितना, 500 का बांट रहे हैं, गाड़ी फुल भी कर रहे हैं कि नहीं। अब बंदा जगह जगह लाइनों में लगेगा 500 रुपये पेट्रोल भरने के लिए, या तो ये फुल कर रहा होगा अलग बात है। मोहाली कर लिया हमने पार, अभी चल रहे हैं हम एरो सिटी के रोड पे, यहाँ पे एयरपोर्ट है हमारे लेफ्ट में। और अब हमारी नया टास्क है हमारे पास, डीजल ढूंढो अभियान। डीजल ही नहीं मिल रहा भाई कहीं। इतने सारे पेट्रोल पंप को पार करने के बाद आखिरकार हम लोग लाइन में लग के अब हमारा नंबर आने वाला है और हमारे नंबर पे खत्म हो जाएगा। ऐसे मत बोलो। अम्बाला आपका स्वागत करता है, हरियाणा का द्वार अम्बाला।